अभी बहुत बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है चलो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ। और सब्जेक्ट मैथ में हमने क्या शुरू किया, हमने शुरू किया है क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम का अभी हम लोग रिविजन कर रहे हैं। और रिविजन करने के दौरान हम लोग ने पिछले क्लास में क्या क्या चीजें सीख लिया, चलो मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ आपको मैंने पिछले क्लास में क्या क्या चीजें सीख लिया है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था इंटीजर का ऑपरेशन, उसमें क्या क्या चीजें बताया था मैंने। तो इंटीजर का ऑपरेशन में मैंने आपको बता दिया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एंड और क्या बताया आपको, मल्टीप्लीकेशन बता दिया है पिछली क्लास में, एंड और क्या बता दिया आपको, डिवीजन बता दिया। अगर सारे बच्चों को ये पिछली क्लास में जो मैंने ऑपरेशंस ऑन इंटीजर पढ़ाया था, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, अगर ये चारों टॉपिक समझ में आ गए हैं तो जल्द से एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। आप जल्द से एक बार चैट बॉक्स में आप लोग वाई टाइप कर दीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारा बच्चों समझ में आ गया ना। बहुत ईजी टॉपिक था, बहुत ईजी था अभी, है ना। ऑपरेशन और इंटीजर बहुत ही आसान था, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा टफ लगा होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन, लेकिन वो भी आपको आसान लगने लगा होगा अभी, है ना। चलो तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन जो होता है ना बहुत ही इजी है, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था ठीक उसी प्रकार मैं फिर से पढ़ाऊंगा। देखो फ्रैक्शन का हम लोग दो डिफिनेशन याद रखेंगे, दो तरीके से याद रखेंगे। चलो पहला याद रखेंगे हम लोग फ्रैक्शन का कि द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, कोई भी नंबर जो पी बट्टा क्यू, पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके या पी बाई क्यू के रूप में हो। जैसे कि देखो 7/9, 7/9 कहने का मतलब क्या है, ये हो गया मान लो 7 जो होगा आपका P और 9 क्या हो गया आपका Q। तब ध्यान से देखोगे किस रूप में है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ P by Q। एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q देन दोज नंबर आर कॉल्ड एज फ्रैक्शन। कोई भी नंबर जो P by Q के रूप में लिखा हो, P by Q के रूप में लिख सके, राइट कर सके, उसे क्या कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो 5/4, हियर 5 इज पी एंड 4 इज क्यू। एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू दैट नंबर इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन। तो आप बताओ जल्दी से, इज 7/3 इज ए फ्रैक्शन और नॉट, इज 7/3 इज ए फ्रैक्शन और नॉट। अगर फ्रैक्शन है तो चार बॉक्स में वाई टाइप कर दो, नहीं है तो एन टाइप कर दो। इज 7/3 इज ए फ्रैक्शन और नॉट, बहुत बढ़िया बोलते हैं, इट इज अ फ्रैक्शन। हाँ आपने सही बताया कि क्यू जो होना चाहिए वो हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले अभी इतना समझ लीजिए, फ्रैक्शन के लिए 7/3 इज अ फ्रैक्शन और नॉट, इट इज अ फ्रैक्शन, इट इज अ फ्रैक्शन, इट इज अ फ्रैक्शन। एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज नोन एज फ्रैक्शन, ठीक है, इट इज अ फ्रैक्शन बिकॉज 7 इज इक्वल टू पी एंड 3 इज इक्वल टू क्यू, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू then it is known as fraction, ठीक है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये जो p है ये क्या होता है और ये जो q है ये क्या होता है ना। तो चलो मैं वो भी बता देता हूं आपको, ध्यान दो। here p is called as numerator, p को क्या बोलते हैं हम लोग, numerator, और q को क्या बोलते हैं हम लोग, denominator। तो जो p होगा उसे क्या बोलेंगे, numerator। कहने का मतलब क्या है, जो अपर पार्ट होता है उसे numerator कहते हैं, जो लोअर पार्ट होता है उसके डिनोमिनेटर कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं, मान लीजिए 3/4, इसका अपर पार्ट क्या है, इसका अपर पार्ट है 3, तो 3 इज नोन एज न्यूमरेटर, 3 इज नोन एज न्यूमरेटर, ठीक है, और 4 इज नोन एज डिनोमिनेटर, एंड 4 इज नोन एज डिनोमिनेटर। इज इट क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगर आपको ये यहां तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। दो ही चीज मैंने यहां सिखाया कि एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज नोन एज फ्रैक्शन, एंड सेकेंड चीज जो अपर पार्ट होता है, जो पी होता है उसे हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, जो लोअर पार्ट होता है उसे हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं, और जो लोअर पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। दो ही चीज सिखाया हमने, ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो अब थर्ड चीज क्या है फ्रैक्शन में, कि फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, चलो चैट में बताएंगे बच्चे, व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, 3 टाइप्स के होते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फ्रैक्शन आर ऑफ 3 टाइप्स, कौन कौन,
प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ऑफ थ्री टाइप्स, फ्रैक्शन कितना होता है, फ्रैक्शन आर ऑफ थ्री टाइप्स, विच वन प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकेंड वन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड थर्ड वन मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो चलो हम लोग तीनों को एक साथ पढ़ लेते हैं, बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो तीनों को हम लोग एक ही साथ देख लेते हैं। चलो फर्स्ट वन जो है प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए और सेकेंड वन जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए, ठीक है। चलो ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, और सेकेंड वन जो है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड थर्ड वन हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहां तक क्लियर है? चलो अब आता है बात कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। चलो एक मिनट के लिए आप लोग ध्यान से स्क्रीन पे देखो, तीनों समझ में आ जाएगा। एक मिनट के लिए ध्यान से देखो स्क्रीन पर, तीनों समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो पहला जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है इसमें जो होता है न्यूमरेटर। चलो मैं दो चीजें लिख देता हूं यहां पे, पहले न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को हम लिखेंगे कैपिटल एन से और डिनोमिनेटर को लिखेंगे हम, डिनोमिनेटर को लिखेंगे हम कैपिटल डी से, न्यूमरेटर को लिखेंगे हम कैपिटल न्यूमरेटर को लिखेंगे हम लोग कैपिटल एन से और डिनोमिनेटर को लिखेंगे कैपिटल डी से। अब मैंने इसे क्या लिखा ताकि आप आसानी से लिख सकें, ठीक है। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर जिसे हम बोलेंगे एन, एन छोटा होता है डिनोमिनेटर से, मतलब एन स्मॉल होता है डिनोमिनेटर से। जिसे मान लो 3/8 बोल देते हैं, ध्यान दो 3 इज न्यूमरेटर, तो हियर न्यूमरेटर एंड 8 इज डिनोमिनेटर, तो हियर न्यूमरेटर इज स्मॉल देन, स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। तो याद करने का तरीका क्या है कि अगर न्यूमरेटर स्मॉल होता है, स्मॉलर होता है, तो उससे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इसका उल्टा जो होता है वो कहलाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा बता दीजिए आप जल्दी बता सकते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा कि डिनोमिनेटर जो होता है छोटा होता है न्यूमरेटर की तुलना में। कहने का मतलब क्या है, न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, जैसे कि 7/3। 7 क्या है, 7 है आपका न्यूमरेटर और 3 क्या है, 3 आपका डिनोमिनेटर। 7 क्या है आपका न्यूमरेटर और 3 क्या है डिनोमिनेटर। तो अगर न्यूमरेटर आपका बड़ा हो, अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा हो तो वो कहलाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर न्यूमरेटर छोटा हो कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। बहुत ही आसानी है, अगर न्यूमरेटर बड़ा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर छोटा प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर स्मॉल प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा और न्यूमरेटर बिगर तो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आपको प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गया तो जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, बहुत ही आसान है। ऊपर वाला छोटा तो कहलाएगा प्रॉपर। हाँ बताइए सर जी, एक बार और बता दो अच्छे से। एक क्वेश्चन के माध्यम समझा देंगे आपको, ध्यान दो, देखो ध्यान सुनो, ध्यान से देखना आप क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ध्यान दो। अगर मैं बोलूं 9/14 तो ध्यान दो, 9 जो 9 है क्या नीचे वाला से छोटा है, बताइए आप, छोटा है ना 9, क्या नीचे वाला छोटा है, देखो डिनोमिनेटर छोटा है 9, तो जब ये अपर पार्ट जब छोटा होता है, स्मॉलर होता है नीचे वाले की तुलना में, तो इसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ये न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर है और इसका न्यूमरेटर जो है छोटा है, अगर न्यूमरेटर छोटा होता है तो उसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहेंगे इसे, इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसका उल्टा, अब इसका उल्टा देख लो, इसका उल्टा मैं चलो एक क्वेश्चन कराता हूं, ध्यान दो। इसका उल्टा मान लो कि अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता 14/9, अब देखो 14 कहां आ गया न्यूमरेटर में और 9 क्या आ गया डिनोमिनेटर में। अगर फिर न्यूमरेटर क्या हो गया, इसका बड़ा हो गया बिगर हो गया, इसे कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जस्ट उल्टा है, आगे समझ में। अगर न्यूमरेटर छोटा तो उसे बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब स्मॉल तो प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर बड़ा तो उसे बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलो अपना माइक ऑफ कर लो, चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना। चलो अब देखो, अब यहां तक तो सारे बच्चों को समझ में आ जाता है, अगर आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया ना तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन, देखो मिक्स्ड का मतलब क्या होता है, मिक्स्ड का मतलब क्या होता है, जब दो तीन चीज मिक्स्ड करते हैं तो उसे बोलते हैं मिक्स्ड, ठीक। उस प्रकार यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन भी वही है, यहाँ पे क्या करेंगे हम किसको किसको मिलाएंगे, तो हम यहाँ पे आपको
होल नंबर को, किसको किसको, होल नंबर को और प्लस किसको, प्रॉपर फ्रैक्शन को। होल नंबर को मिलाते हैं और किसको मिलाते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन को मिलाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या क्या मिलता है, मिलाते हैं हम लोग होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या मिलाते हैं हम लोग, प्रॉपर सर फ्रैक्शन जी और प्रॉपर। अपना माइक ऑफ कर लीजिए, हम बताइए क्या डाउट है आपको, हम बताइए सरोज जी क्या डाउट है आपको। हाँ डाउट है तो पूछ लीजिए। अरे कुछ बच्चे बताने भी लगे हैं सर कि होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन मिलाते हैं तो क्या बनता है, मिक्स फ्रैक्शन। बहुत बढ़िया। देखो होल नंबर सबको पता है, जैसे कि मान लो होल नंबर क्या है, टू, टू इज अ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा हो, न्यूमरेटर स्मॉल हो, तो क्या मान लेते हैं 3/4। ये देखो इट इज अ होल नंबर एंड इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं, जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, ये बनता है 2 फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन 3/4, नाउ इट इज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो जिससे हम लोग होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। सबसे आसान होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहचानना, क्योंकि उसके पास एक होल पार्ट होता है, एक होल नंबर होता है। तो बताओ एक प्रश्न यहीं पे, 7 फ्रैक्शन 3/9 इज इट इज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन और नॉट, अगर है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। 7 फ्रैक्शन 3/9 हाँ मैंने कराया, पहले भी मैंने कराया, इसलिए मैं तीसरा से इसको स्पीड करता हूँ, है ना, क्योंकि इसके पास एक, इसके पास एक होल नंबर है और इसके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन जब दोनों साथ में आते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन। होल नंबर और जब प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों साथ में आते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन। व्हेन वी विल कंबाइन मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन देन वी कॉल्ड एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हम उसे क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। समझ में गया, चल तो जल्द से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चैट बॉक्स में डबल एड कर देंगे। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चैट बॉक्स में डबल एड कर देंगे, सारे बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत चलो, अगर यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट है तो वो बच्चा अपना माइक ऑन कर लेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। बाकी अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो चलो हम लोग इससे संबंधित प्रश्न आप क्या करते हैं, पोल सेक्शन में कर लेते हैं। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चन है, हम लोग क्या करते हैं आप पोल सेक्शन में कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है इससे संबंधित, इससे रिलेटेड जो कि आपके पोल सेक्शन में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्द से करेंगे इसका आंसर। कहाँ करेंगे इसका आंसर, पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। चलो चलो बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 2/5 किस प्रकार का फ्रैक्शन है, मेंशन द टाइप ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तीन प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं, ध्यान दो, पहला प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, और तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसमें दो चीजें होती है, होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हियर 2/5 इज देयर, क्या है यहाँ पे 2/5, यहाँ पे क्या है 2/5, ठीक है। चलो लास्ट 20 सेकेंड, जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन कर देंगे। कोई ऐसा बच्चा जिसको पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है वो बच्चा माइक ऑन करके बता सकता है, कोई ऐसा बच्चा जिसको पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है वो बच्चा अपना माइक ऑन करके बता देगा, मैं उनको बता दूंगा कैसे करना होता है। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको माइक ऑन कर, माइक ऑन करना तो सबको आता होगा, जिसको नहीं पता है पोल सेक्शन, बताइए किसको नहीं पता है पोल सेक्शन के बारे में, अनिकेत रेगल नाम से जो बच्चा, जानकी बाबा अपना माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, मैं क्या करता हूँ चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले, एंड होने से पहले सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर, इस क्वेश्चन का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। बाकी जिन बच्चों ने उत्तर पोल सेक्शन में कर दिया बच्चे क्या करेंगे, चैट बॉक्स में आंसर, या चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं जिनके मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं आती है, बाकी बच्चे जिन्होंने बना लिया बच्चे कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हैं।
चलो क्वेश्चन वाले, हाँ ठीक है बहुत बढ़िया। चलो हाँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है ना, बहुत बढ़िया आंसर द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या था देखो, सिंपली हमें तीन चीजें याद किया, न्यूमरेटर छोटा तो प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर बड़ा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब हम इम्प्रॉपर, जब प्रॉपर और क्या होता है होल नंबर को मिलाते हैं तो क्या बनता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हेयर जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा जो है न्यूमरेटर, ये क्या है न्यूमरेटर जो है स्मॉल है, क्यों किसके तुलना में, डिनोमिनेटर तुलना में। तो जब ये छोटा होता है तो किस प्रकार का फ्रैक्शन होता है, तो इट इज द टाइप ऑफ, इट इज द टाइप ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, इट इज द टाइप ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। किस प्रकार का है प्रॉपर फ्रैक्शन, किस प्रकार का है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार बॉक्स में डबल राइट कर दीजिए, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार बॉक्स में डबल राइट कर दीजिए, जल्दी करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलो इन द सिमिलर वे नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द टाइप ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इज 5 फ्रैक्शन 1/3। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। देखो एक बार वाई टाइप करो मुझे समझ में आता है, एक ही बार में मुझे समझ में आता है, ठीक है। एक से ज्यादा बार आप कोशिश करो टाइप ना करने के लिए, एक बार ही टाइप करो, ओके। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। 5 फ्रैक्शन 1/3 इज विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन, किस प्रकार का फ्रैक्शन है, 5 फ्रैक्शन 1/3 इज विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तीन प्रकार के फ्रैक्शन थे, फर्स्ट फ्रैक्शन इज जिसका प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका क्या होता है न्यूमरेटर छोटा हो, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो, इम्प्रॉपर, जहां होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन मिलते हैं उसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमें जो स्क्रीन पे जो फ्रैक्शन दिख रहा है 5 फ्रैक्शन 1/3 इज विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। चलो लास्ट, बहुत नहीं है, लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, 20 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे के सारे बच्चों को उत्तर करना है, सारे के सारे बच्चों को उत्तर करना है, आंसर करना है, कहाँ करना है आंसर, पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लास्ट, ठीक है। चलो सुनीता वर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है बाबू, हाँ ठीक है, रुक जाइए अभी अभी आपको देखो पोल सेक्शन आंसर, जब तक मैं नहीं बोलता तब तक आपको आंसर नहीं देना होता है, ठीक है। ना ही माइक उनको दिखाना होता है, नहीं कैमरा उनको बताना होता है। सुनीता वर्मा नाम से जो बच्चा जन्म किया है बाबू, एक बार वाई टाइप किया था, कहीं भी अगर आप वाई टाइप करो एक बार टाइप करो, एक से ज्यादा बार नहीं करना होता है, ठीक है। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, मैं कहता चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। चलो कुछ बच्चे ने अपना आंसर दिखाया कैमरा का, उनका आंसर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है सोनिया, चलो ठीक है, खुशी नोले आपका भी सही है, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी दिखा सकते हैं अपने कैमरा के, बाकी बच्चे भी दिखा सकते हैं, जब मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ना तो आप कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो, ठीक है। हाँ ठीक है, दालबीर आपका भी सही है, हाँ बहुत बढ़िया। अधिकतर बच्चों को पता भी चल गया, देखो सबसे इजी क्वेश्चन था ये, जो क्वेश्चन था ना सबसे आसान क्वेश्चन था, क्यों। चलो देखो हमने सीखा है कि सर एनी फ्रैक्शन हुज कंटेन होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, देन दोज फ्रैक्शन इज नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन क्या कहलाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो बताओ ये कहाँ पे दिया गया, यहाँ पे है, देखो क्या दिखा है यहाँ पे, देखो ये क्या है, 5 इज हमारा होल नंबर, 5 इज होल नंबर एंड 1/3 इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, देन 5 फ्रैक्शन 1/3 इज नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन, नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। एनी फ्रैक्शन हुज कंटेन होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, देन दोज टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो हेयर फ्रैक्शन, गिवन फ्रैक्शन इज नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन बिकॉज इट कंटेन होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। आई होप इट इज क्लियर, देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। उम्मीद करते हैं कि आपको एकदम अच्छे से ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। तो एनी फ्रैक्शन दोज कंटेन होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। इन द सिमिलर वे नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी
इजी क्वेश्चन, आई होप ऑल द स्टूडेंट गिव द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से। और इस क्वेश्चन के लिए आपके पास मात्र यू हैव ओनली 40 सेकेंड, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो क्या है, मेंशन द टाइप ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज 14/5, फ्रैक्शन इज 14/5। चलो मेंशन द टाइप ऑफ द गिवन फ्रैक्शन 14/5। ओके, 22 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, बिकॉज इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। इफ यू नो द ऑल कंसेप्ट ऑफ थ्री फ्रैक्शन, जस्ट लाइक फर्स्ट फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, एंड सेकेंड वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन दैट इज मोस्ट इजी फ्रैक्शन ऑफ बोथ ऑफ देम। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत इजी होता है, इट कंटेन प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर, देन दोज फ्रैक्शन आर नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हमें बताना है कि ये फ्रैक्शन जो है किस प्रकार का फ्रैक्शन में आता है, क्योंकि हमारे पास टोटल तीन फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, ठीक है। लास्ट 5 सेकेंड, मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल से सुन कर देंगे, और बाकी बच्चे अपने कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो 5, 4, 3, 2, 1, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट, हाँ ठीक है। जितने बच्चे आंसर दिखा रहे हैं सारे बच्चों का आंसर सही है। क्या है, चलो मैं बताता हूँ क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो ध्यान दो। ये हो गया आपका ऊपर वाला 14, क्या है 14 इज न्यूमरेटर, n से डिनोट करते हैं, और 5 इज ए डिनोमेटर, एंड वी नो दैट व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमेटर, मतलब ये ग्रेटर या बोलो या बिगर बोलो, ग्रेटर बोलते हैं, जब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमेटर, देन दोस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देन 14/5 इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बहुत इजी क्वेश्चन था, क्योंकि अगर न्यूमरेटर बड़ा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। आई होप इट इज क्लियर, देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो इन द सिमिलर वे, यहां तक समझ में आ गया, चलो क्लियर है। अब देखो, अब क्या होता है, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा हुआ है कि सर क्या हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में और मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो हम लोग वो भी सीख लेते हैं कि हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में और मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कन्वर्जन सीखेंगे हम किसका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में, जिसमें कि सबसे पहला है 15/4। चलो जिन बच्चों को इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आता है, वो बच्चे चैट बॉक्स में आंसर देंगे, बाकी बच्चे ध्यान से देखेंगे। चलो सबसे पहले एक नोट कर लेंगे सारे बच्चे, एक नोट करके पॉइंट लिख लेंगे, कौन सा नोट है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि मिक्स्ड एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हैविंग ऑलवेज डिनोमिनेटर आर इक्वल, हैविंग ऑलवेज डिनोमिनेटर आर इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ कि मिक्स्ड फ्रैक्शन से जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका डिनोमिनेटर जो होता है वो ऑलवेज बराबर होता है, हैविंग ऑलवेज ऑलवेज डिनोमिनेटर इज इक्वल, या इसको ऐसे बोल सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन डिनोमिनेटर आर ऑलवेज इक्वल इज इक्वल, ठीक है। ऑलवेज क्या होता है, इसका डिनोमिनेटर जो है बराबर होता है, कहने का मतलब क्या है। चलो बहुत बच्चों का आंसर तो सही आने लगा, चलो जिन बच्चों को नहीं है तो बच्चे ध्यान देंगे, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अधिकतर बच्चों का आंसर सही है, बहुत बढ़िया, ध्यान दो। क्या करते हैं, देखो इसका डिनोमिनेटर क्या है, इसका डिनोमिनेटर है 4। तो मैंने अभी एक पॉइंट क्या लिखा, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर बदलो या इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन बदलो,
इसका डिनोमिनेटर मतलब हर हमेशा बराबर होता है, यानी अगर इसका हर इसका डिनोमिनेटर अगर 4 है तो इसका भी डिनोमिनेटर क्या होगा, इसका भी डिनोमिनेटर होगा 4। अब आता है दो चीजें, मिक्स फ्रैक्शन में एक होता है होल नंबर और एक होता है आपको प्रॉपर फ्रैक्शन। बिजनेस बॉय नाम से जो बच्चा जान के, देखो मैंने तो आपको इतना मेहनत करके आपका मैंने आपको व्हाट्सएप में ऐड कराया, फिर भी अगर आप इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें करो तो मैं सारे जगह से आपको रिमूव करा सकता हूँ, इस बात पर ध्यान दीजिए आप, ठीक है। चलो ध्यान दो, दो चीजें ध्यान देना है, कौन कौन से दो चीजें ध्यान देना है, चलो यहाँ पे होता है आपका होल नंबर वाला पार्ट और ये होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर वाला पार्ट। तो देखो यहाँ पे जो होता है आपका होता है कोसेंट, क्या होता है कोसेंट मतलब भागफल, और यहाँ पे जो होता है आपका होता है रिमाइंडर, यहाँ पे होता है आपका रिमाइंडर मतलब शेषफल, ठीक है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा सर कोसेंट और रिमाइंडर कैसे आएगा, तो देखो ध्यान दो सिंपली 4 से आप डिवाइड कर दो किसमें 15 में, चलो करते हैं ये देखो 4 3 12 क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आ गया यहाँ पे कोसेंट 3 एंड रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 3, कोसेंट भी आ गया 3 एंड रिमाइंडर भी आ गया 3। कोसेंट कौन होता है, ये भागफल ये होता है, ये हो गया हमारा कोसेंट, ये भी आ गया 3, चलो लिख लेते हैं हम लोग कोसेंट हो गया और ये हो गया 3, ये भी हो गया हमारा रिमाइंडर और ये हो गया हमारा रिमाइंडर, क्लियर है। चलो तो यहां से हमारा कोसेंट का माना गया 3 एंड रिमाइंडर का भी माना गया क्या 3, तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे कोसेंट की जगह हो जाएगा 3 और रिमाइंडर की जगह होगा 3 गुणांक 4/3/4, 3 फ्रैक्शन 3/4, तो इट इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इट इज ए मिक्स फ्रैक्शन। आई होप इट इज क्लियर, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर दीजिए, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, जिनको पूरा अच्छे से समझ में क्लियर ठीक है, जिनको थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया था अगला क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या करो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल सोनू सोनू के नाम से जो बच्चा ना वो बार बार बोलते तो समझ में आया। हां ठीक है मैं समझ गया, अगली बार वो इतना बार वाई वाई टाइप करेंगे तो मैं उनको क्लास से बाहर कर दूंगा, ठीक है। चलो सारे बच्चों के लिए देखो अगर आप एक ही चीज बार बार टाइप करते हो ना तो बच्चा सबके स्क्रीन पे दिखता है और वो नहीं दिखता, उनको स्क्रीन नहीं दिखता, वो पढ़ेंगे कैसे। तो चलो नवीन को मैं अभी इसी बात पर नवीन को मैं क्लास से बाहर करता हूँ, फिर नवीन क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, है ना। चलो ठीक है, और किसी बच्चे को वाई वाई बार बार टाइप करना है, चलो कर दो आप लोग वाई वाई बार बार टाइप वाई, तो मैं आपको क्लास से बाहर करता हूँ। चलो इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ठीक है, इस बात पर ध्यान देंगे। चलो पढ़ाई से मतलब रखिए। चलो अगला प्रश्न देखो, इस प्रश्न का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न क्या है 76/9, आपको इसको बदलना है किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। चलो बदलने जैसा सारे बच्चे, यहां पे होता है कोसेंट और यहां पे होता है आपका रिमाइंडर और नीचे तो हमारा फिक्स है जो इसका डिनोमिनेटर वही डिनोमिनेटर यहाँ पे होगा, तो आपको सिर्फ यहाँ बताना है चैट बॉक्स में क्यू का मान और आर का मान, है ना। चलो सोनू सोनू नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, बाबू जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्वेश्चन पे ध्यान दो क्या करना है, ठीक है, अनावश्यक हरकतें नहीं किया करो आप। बहुत देखो बहुत बच्चों का आंसर सही भी आने लगा, बहुत आसान है, सिंपली हमें क्या करना, सिंपली से भाग तो ही देना था, क्या करेंगे 76 में 9 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। देखो 9 8 72, व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 4, रिमाइंडर इज 4 एंड कोसेंट इज 8, तो एट द प्लेस ऑफ रिमाइंडर व्हाट वी शुड राइट 8 एंड एट द प्लेस ऑफ रिमाइंडर व्हाट वी शुड राइट 4, रिमाइंडर जगह यहाँ पे 4 होगा, सॉरी रिमाइंडर जगह क्या करेंगे 4, चलो यहाँ हो गया 8 यहाँ हो गया 4, तो देन व्हाट वी कैन राइट 8 फ्रैक्शन 4/9। आई होप इट इज क्लियर, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर दीजिए, अगर आपको ये समझ में आ गया जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर दीजिए, इजी क्वेश्चन था ना। चलो इन द सिमिलर वे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को इन प्रॉपर फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान होता है, ठीक है। चलो ये है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको हम लोग इन प्रॉपर फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं, कैसे बदलते हैं चलो ध्यान दो, देखो बहुत ईजी है, नीचे 8 है तो नीचे हमारा तो 8 रहेगा ही, क्योंकि हमने नोट डाल के लिखवाया था कि इम प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन का हमेशा डिनोमिनेटर बराबर होता है, तो 8 है तो इसका 8 होगा, बाकी क्या करते हैं, चलो इसका डिनोमिनेटर और इसका होल नंबर वाला जो पार्ट है इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करते हैं क्या मिलेगा 8 2 16, अब बाकी जो न्यूमरेटर होता है उसको ऐड कर दो, तो
16 प्लस 1 क्या जगह, ये जगह 17 बाई 8, 17 बाई 8। चलो इन द सिमिलर वे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देता हूँ। चलो बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, 2 फ्रैक्शन 3 बाई 4, व्हाट वी विल गेट, 2 फ्रैक्शन 3 बाई 4 व्हाट वी विल गेट। मिलन सिंह नाम से जो बच्चा जानकी बाबा चैट बॉक्स में आंसर किया करो, माय कौन नहीं करना आपको, बहुत बढ़िया। क्या मिलेगा हमें, बहुत बढ़िया, देखो नीचे 4 है तो नीचे तो 4 रहेगा ही, बाकी क्या करना है, बाकी हमको ये देखो 4 का गुना 2 के चलता है, 4 2 जा 8 और 1 क्या होगा 1 का 3 क्या ऊपर 3 को ऐड कर दो, जो डिनोमिनेटर होता है उसको ऐड करते हैं, बाकी नीचे वाला गुना करते हैं, तो 8 प्लस 3 व्हाट शुड वी गेट, वी गेट 11 बाई 4। आई होप इट इज क्लियर। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दीजिए, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दीजिए। चलो इन द सिंदूर है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहेगा, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। चलो पहले आप कॉपी में करो इसका आंसर, फिर इसका आंसर क्या करना है पोल सेक्शन में जाकर करना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन है 32। चलो पहले आप कॉपी में करो फिर इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो जहां तक हम देख पा रहे बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प, हाँ चलो आपको पोल सेक्शन दिखेगा, हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन बदलना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लास्ट 5 सेकेंड। मैं कह रहा चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। 5 4 3 2 1, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। चलो क्या करते हैं सिंपली, बहुत बढ़िया, देखो 5 फ्रैक्शन 1 बाई 3, हमें पता है नीचे 3 रूट 3 है तो नीचे 3 हो गया, बाकी अब क्या करेंगे देखो आराम से, 3 क्या मल्टीप्लाई 5 के साथ, 5 3 जा 15, और 1 क्या है नोमिनेटर, तो 1 को ऐड कर दो ऊपर वाले को, तो 15 प्लस 1 क्या होगा 16 बाई 3, देन विच ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार में डबल ऐड कर दीजिए। चलो इन द सिमिलर वे नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट 78 बाई 11 इंटू मिक्सड फ्रैक्शन, कन्वर्ट 78 बाई 11 इंटू मिक्सड फ्रैक्शन, ओके। चलो क्वेश्चन इज वेरी इजी, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कहां करेंगे आपको पोल सेक्शन। चलो मिक्सड फ्रैक्शन बदलना है, मिक्स फ्रैक्शन में दो चीजें ध्यान देना आपको, 78 बाई 11 है ना। चलो तो हमें तो पता है 11 तो नीचे आता ही है, यहां पे होता है आपका क्या क्वेश्चन और यहाँ पे होता है आपका रिमाइंडर, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का आंसर सही करने के लिए, है ना सर। चलो लास्ट 30 सेकेंड अपना, हाँ ठीक है, अच्छा हिंट नहीं दूं, चलो हिंट नहीं दूंगा, अगले क्वेश्चन से हिंट नहीं दूंगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, लास्ट 20 सेकेंड, 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 जल्दी करेंगे सर्वती इस प्रश्न में, लास्ट 15 सेकेंड, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, हाँ ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई जल्दीबाजी नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लास्ट 5 सेकेंड, मैं क्या करता हूँ चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर, इस क्वेश्चन का उत्तर कहाँ कर देंगे, पोल सेक्शन में जाकर कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, देखो पोल सेक्शन में आंसर करना ना सबके लिए नेसेसरी है, जरूरी है, क्यों, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि पोल सेक्शन से ही हम लोग एनालाइज कर पाते हैं कि कौन सा स्टूडेंट का कौन सा आंसर सही आ रहा है और कौन सा आंसर सही नहीं आ रहा है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
चलो बहुत बढ़िया। चलो क्या करते हैं, सिंपली बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 5, 4, 3, 2, 1, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 78 में हम लोग 11 से भाग देते हैं, 11 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो 11 7 जा 77, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 1। ओके, तो हियर 7 इज द क्वोशेंट एंड 1 इज द रिमाइंडर, एंड 1 इज द रिमाइंडर। सो एट द प्लेस ऑफ क्वोशेंट व्हाट शुड वी राइट, वी शुड राइट 7, एंड एट द प्लेस ऑफ रिमाइंडर व्हाट शुड वी राइट, वी राइट 1। तो 7 फ्रैक्शन 1/11, देन विच ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। आई होप इट इज क्लियर, देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत इजी क्वेश्चन था ना। चलो इन द सिमिलर वे अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सीखेंगे, जो कि आज की क्लास का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इजिएस्ट कंसेप्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग जो सीखेंगे, जो कि आज की क्लास का सबसे इजी कंसेप्ट है और सबसे इंटरेस्टेड कंसेप्ट है, ठीक है। चलो उसका नाम है सिंपलेस्ट फॉर्म में सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं। चलो बताओ सर बच्चे, 10/8 का सिंप्लीफिकेशन सिंपल फॉर्म क्या होगा। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन सारे बच्चों से पूछता हूं, कितने बच्चों को फैक्टराइजेशन करने आता है। जिन जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन करने आता है, बच्चे चार ऑप्शन वाई टाइप करेंगे, और जिनको नहीं आता वो एन टाइप करेंगे। नहीं आता तो रियलिटी आपको बोलना है, नहीं आता एन टाइप करना है, मैं सिखाऊंगा। सबको आता है फैक्टराइजेशन करने, अनिकेत रेगल नाम से जो बच्चा जानते, बाबू देखो मैंने आपको बहुत बार मना किया है, एक बार वाई टाइप करो बाबू मैं क्लास से बाहर कर दूंगा आपको, सिंपली ध्यान रखना। चलो मतलब सभी बच्चों का, अधिकतर बच्चों का आता है, जिनको नहीं आता ध्यान सीखे। देखो जब भी हमें इसको सिंप्लीफिकेशन करना होता है, इसको सिंपल फॉर्म में करना होता है, देखो क्या करना होता है, सिंपली नोमरेटर का अलग डिनोमिनेटर अलग। देखो ध्यान दो, अगर 10 का हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। जिन बच्चों का आता है बहुत बड़ी, जिनको नहीं आता ध्यान देंगे, पहले हम 2 से कैंसिल करते हैं, हमेशा स्टार्टिंग फ्रॉम 2, 2 से सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं 2 से। तो 2 5 जा 10, इसके आगे ये नहीं कैंसिल आउट होने वाला है, तो 10 हो गया 2 × 5 के बराबर, इसका फैक्टराइजेशन क्या हो गया 2 × 5। तो जहां जहां 10 है वहां लिखेंगे 2 × 5, ठीक है। इन द सिमिलर वे 8 की जगह क्या करेंगे, 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे। चलो 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो यहाँ 8 का फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 × 2 × 2। तो जहां जहां 8 होगा, तो एट द प्लेस ऑफ 8 व्हाट शुड वी राइट, वी शुड राइट 2 × 2 × 2। यहां तक अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए, यहां तक अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए, ऐसा समझ में ना। चलो हाँ सबको आता है ना, यहाँ तो ये तो सारे बच्चों को आता है। चलो अब देखो सिंपली क्या करना है, देखो जो ऊपर जो नीचे कैंसिल आउट होने वाला था कैंसिल आउट कर दो, 1 2 से 1 2 कटा दिए, बाकी देखो ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया सिंपली 5 और नीचे 2 को 2 बच गया, तो 2 × 4 हो गया। तो व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 10/8 इज 5/4, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 10/8 इज 5/4। आई होप इट इज क्लियर, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल एंटर कर दीजिए। नवीन आपको समझ में आया ना, आगे ना समझ में नवीन, हाँ बहुत ही आगे ना, बहुत इजी था ना, इसी प्रकार से करते हैं। चलो ये लो आप स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो एक क्वेश्चन और कर लो, एक क्वेश्चन आप और कर लो। चलो क्वेश्चन क्या है, 15/20, क्या है क्वेश्चन, 15/20, आराम से 15 का आप लोगों नाम बना के दिखाओ चैट बॉक्स में, 15 का अलग आप निकाल लो और 20 का अलग निकाल। चलो 15 का निकाल देते हैं, 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा, 3 5 15, तो 15 का आपका हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म, आपका फैक्टर क्या होगा 3 × 5, तो 15 की जगह हम लिख देंगे 3 × 5, एंड एट द प्लेस ऑफ 20 व्हाट शुड वी राइट, वी शुड राइट 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 टाइम्स में, ठीक है। तो एट द प्लेस ऑफ 20 व्हाट शुड वी राइट, वी राइट 2 × 2 × 5, ओके बहुत ही जेट। फिर आप देखेंगे ऊपर वाला नीचे वाले से कौन कम कैंसिल आता है, देखो ऊपर 1 5 कट गया, नीचे 1 5 कट गया, अब कोई कटने वाला है, कोई कैंसिल आउट होने वाला है, नहीं होने वाला है, तो ऊपर बच गया आपके पास 3 और नीचे बच गया 2 2 जा 4। तो व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 15/20, तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 15/20 इज 3/4। आई होप इट इज क्लियर, देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। आई होप इट इज क्लियर, देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। अच्छा ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान दो, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान दो। देखो ये जो 15 था ना, ये 15, इसका हम पहले फैक्टराइजेशन करेंगे,
जब हम इसका फैक्टराइजेशन करें क्या मिला, देखो 2 से 3 कैंसिल आउट नहीं करेगा 3 से होगा, तो 3 5 15, तो 15 का क्या लिख दिए, 15 का प्लस फॉर्म लिख दिया 3 × 5, मैंने लिख दिया। इन द सिमिलर वे हम 20 का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे मैंने 20 का फैक्टराइजेशन किया, क्या लिखा हमने, 2 × 2 × 5, तो हम 20 की जगह हम लिख दिया 2 × 2 × 5। अब हम ऊपर नीचे देखेंगे कौन कौन कैंसिल आउट हो रहा है, तो हम देखा यहाँ पे कि ऊपर से 5 कट गया, नीचे से भी 5 कट गया, अगर और कोई कटने वाला होता तो उसको भी कटा देते हैं, ऊपर नीचे देखते हैं, जो बच जाता है उसको लिख देते हैं। तो ऊपर बच गया 3, नीचे बच गया 2, 2 × 2 बच्चा, तो 2 × 2 = 4 हो गया। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 15/20 इज 3/4, है ना। चलो इन द सिमिलर वे नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7/4/6, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 7/4/6। डायरेक्ट अगर आप डायरेक्ट कैंसिल करके बना सकते हो तो डायरेक्ट कैंसिल करके भी बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको आता है डायरेक्ट कैंसिल करने तो डायरेक्ट कैंसिल करके बना लो, ठीक है। अगेन समझ में, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। चलो देखो इस प्रश्न में क्या करना है, देखो इस प्रश्न में क्या करना है, सिंपली देखो अगर ये मिक्स प्रश्न है तो आप इसको इम्प्रॉपर फैक्शन में बदल लो। क्या करेंगे, देखो इसको लिख देते हैं, चलो गुना करो, नीचे तो 6 कैसे हो जाएगा, 6 कैसे हो जाएगा, 7 × 42 और प्लस क्या है, प्लस 4 कर दो ऊपर वाला, ये देखो 46/4, है ना। तो क्या करना, 46 का अलग से निकालो इसे फैक्टराइजेशन करके, 2 से कटा दो, 2 से 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, अब नहीं कटेगा तो 46 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 × 23, तो 46 की जगह लिख देंगे हम 2 × 23, और रही बात 4 की जगह क्या लिखेंगे, 4 का फैक्टराइजेशन लिखते हैं, चलो 4 का फैक्टराइजेशन कर दो, 4 का होता है 2 × 2, यानी कि 2 × 2 = 2, ठीक है। तो ये देखो बहुत ही आसान होता है, देखो 2 से 2 कट गया, आपके पास बच गया 23/2। तो व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 46/4 या 7/4/6 का, 23/4। हम बताइए क्या डाउट है आपका, हम बताइए क्या डाउट है आपको। 2 × 3 = 2 × 2 = 2 यहाँ बच जाएगा हमारे पास 23/3। आई होप इट इज क्लियर, अब सही है ना। चलो वो मैं बाय बाय मिस्टेक मैंने 4 लिख दिया था, है ना। चलो सही है ना, मेरे तो 7 आया है, 7 आया, नीचे 7 कैसे आ जाएगा, नीचे 6 है ना। चलो एक क्वेश्चन ये कट हो जाएगा, 2 × 3 = 6, ऊपर 2 से कटोगा 2 × 3, हां 3 ना आएगा, नीचे 7 तो नहीं ना आ सकता, 3 आएगा ना, आगे समझ में ना। चलो चलो एक क्वेश्चन देख लो, इसी से संबंधित क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत इजी है, मात्र 40-40 सेकंड का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है 30/25, चलो इसका आंसर कहाँ करना है आपको, जल्दी से इसका आंसर करना है पोल सेक्शन जाकर, आराम से जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से आंसर पोल सेक्शन में सही आना चाहिए सारे बच्चों का, ठीक है। चलो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से कीजिए इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, हम 30 का अलग निकाल लेंगे, 25 का अलग निकाल लेंगे। अनिकेत रेगल नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, पहले क्लास पे ध्यान दो, फिर आप बैकग्राउंड चेंज करने पर ध्यान देना, ठीक है, पहले क्लास पे ध्यान दो, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो मैं आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर देता हूँ, थोड़ा बहुत हेल्प कर देता हूँ, देखो 30 का मैं फैक्टराइजेशन करके दिखाता हूँ आपको, 2 से 15 टाइम्स में, फिर अगर आपके पास देखो 3 से 5 टाइम्स, है ना। तो क्या मिलेगा हमें, 30 का फैक्टराइजेशन मिलेगा 2 × 3 × 5, ठीक है। चलो एंड इन द सिमिलर वे हम 25 में फैक्टराइजेशन करके दिखाते हैं आपको, बस 5 × 5, देन व्हाट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 25 इज 5 × 5, ठीक है। चलो इतना हिंट काफी है, लास्ट 20 सेकंड, लास्ट 20 सेकंड, अभी तक 3 लाख एक भी ऐसा बच्चा नहीं है कि जिसका आंसर गलत हो, मतलब सबका आंसर सही है। चलो एक बच्चे ने आंसर गलत कर दिया, कोई बात नहीं, चलो जल्दी आंसर करेंगे इसका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लास्ट 20 सेकंड, लास्ट 20 सेकंड, ठीक है। तो लास्ट 10 सेकंड, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, जल्दी करेंगे, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लास्ट 5 सेकंड, मैं कह चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, मेरे उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, हाँ खुशी नाम से जो बच्चे जान के आपका सही है, बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं, देखो कितना आसान प्रश्न है, 30 की जगह पे क्या लिख देंगे, 2 × 3 × 5 एंड 25 जगह लिख देंगे 5 × 5। देखो अब ऊपर नीचे
न्यूमरेटर में डिनोट में देखते हैं जो कैंसिल आउट होने वाला था कैंसिल आउट कर दे। देखो फाइव से फाइव कट गया, अब कोई कटेगा नहीं, ऊपर गुना कर दो ऊपर वाले से, दो दुनी चार सॉरी तीन दुनी छह और सिक्स बाई फाइव, देन व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 30 30 बाई 25, इट इज 6 बाई 5, व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। चलो इन द सिमिलर वे नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसके लिए आपके पास मात्र 40 सेकेंड का टाइम है। कितना सेकंड टाइम है? 40 सेकंड का। आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसका आंसर कहां कीजिए? पोल सेक्शन में जाकर कीजिए। चलो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 बाई 12 का हमें निकालना है सिंपलेस्ट फॉर्म, लास्ट 40 सेकेंड, वेरी इजी क्वेश्चन, इट इज द इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ द टू डेज क्लास, आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न है, सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन है। चलो लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड, ठीक है ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड, जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर, इस क्वेश्चन का उत्तर अभी तक पोल सिस्टम नहीं किया, जल्दी कर देंगे। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं कह रहा हूं चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है चलो 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत इजी क्वेश्चन था ना। चलो ध्यान से क्या करेंगे, देखो 8 का फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 into 2 into 2, 12 का फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 into 2 into 3, क्या करेंगे इसको कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहां बच गया आपके पास 2 और नीचे बच गया 3, तो 2 बाई 3, 2 बाई 3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 8 बाई 12, व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर क्वेश्चन टू द मिक्स्ड फ्रैक्शन, व्हिच इज 3 फ्रैक्शन 5 बाई 10, हम पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे, फिर इसका आंसर हम करेंगे किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है चलो, चलो मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूं, देखो 3 फ्रैक्शन 5 बाई 10, पहले आप इसको कन्वर्ट कर लो किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये हो जाए नीचे 10 है तो नीचे 10, और 10 3 30 प्लस 5, ये जगह 35 बाई 10। ठीक है चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो जल्दी करेंगे, लास्ट 30 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लास्ट 20 सेकेंड, आराम से। चलो इसमें भी थोड़ा बता आपको हिंट देता हूं, ध्यान दो 35 कम क्या करेंगे, फैक्टर में जाने देखो 5 से 5 7 जा 35, तो व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 35, 5 into 7। इन द सिमिलर वे 10 का भी हम निकाल देंगे फैक्टर, 2 5 जा 10, 2 into 5, चलो तो 35 जा लिख देंगे 5 into 7, और 10 के लिए जिनमें 2 into 5। चलो लास्ट 20 सेकेंड, ठीक है लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, सॉरी लास्ट 10 सेकेंड बात है, अभी बहुत बच्चे हमने आंसर नहीं किया, जल्दी करेंगे इसका आंसर। चलो लास्ट 5 सेकंड, मैं कह रहा हूँ चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में
कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। हाँ बहुत बढ़िया, देखो कुछ बच्चे इसका आंसर दिखा रहे हैं। हाँ सही है सही है, क्वेश्चन आंसर जो आपने अभी तक एक भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं किया, आपने सही किया, बहुत बढ़िया। नवीन नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, बाबू आप अपना माइक ऑन करो और इसका आंसर बताओ। हाँ ठीक है, नवीन नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन करो और इसका आंसर बताओ, ठीक है। हाँ नवीन 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 नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन करो और इसका आंसर बताओ। अच्छा माइक अपन, जी हाँ कैसा है ये बता दो। नहीं पता सर, ये तो हाँ चलो दे, मैं देता हूँ, ध्यान दो। देखो क्या करना है, मैं सिंपली, चल ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो ये मिक्स फ्रैक्शन था ना, तो हमें इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बदलना है। कैसे बदलते हैं, नीचे 10 था तो नीचे 10 रहने देते हैं, क्योंकि हमने सिखा है कि सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन का हमेशा जो डिनोमिनेटर जो होता है वो हमेशा बराबर होता है, यहाँ तक हमने सिखा है। चलो अब आता है बात कि इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बदलेंगे। तो देखो यहाँ 10 है और यहाँ 3 है, तो 10 3 जा 30, यहाँ हो गया 30 और प्लस हो गया ऊपर वाला 5, तो 30 प्लस 5 क्या मिलेगा, व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 35/10, है ना। जब हमें 35/10 मिल गया तो हम इसको आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। कैसे, चलो देखते हैं। हम 35 का अलग से फैक्टर निकालते हैं, तो निकाल लो, फिर देखो 5 7 जा 35, तो व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 35, 5 × 7, यहाँ 35 के प्लेस पर एट द प्लेस ऑफ 35 क्या लिखेंगे, व्हाट शुड वी राइट, वी राइट 5 × 7, ठीक है। इन द सिमिलर वे 10 का भी हम फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। चलो 10 का निकालते हैं, 2 5 जा 10, तो 10 का क्या फैक्टर होगा, 10 का फैक्टर होगा 2 × 5, 10 का फैक्टर होगा 2 × 5, ये हो गया 2 × 5। अब क्या करेंगे हम लोग, 5 का मल्टीप्लाई, 5 को कैंसिल आउट कर देंगे 5 के साथ, तो व्हाट शुड वी गेट, वी गेट 7/2, 7/2, तो विच ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी द राइट आंसर। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल एट कर दीजिए, सारे बच्चे जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे, ठीक है। चलो चलो अब आज की क्लास का आप लोग होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए, होमवर्क बहुत ही आसान है, ठीक है। इतनी बार अच्छा ठीक है, चलो मैं उनको एक बार मना करता हूँ। देखो बच्चे ही आपको मना करें, मान जाइए ना, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। चलो ध्यान दे, तो क्या करना है हमें, 3 फ्रैक्शन 1/2 को हमें कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये पहला क्वेश्चन है। किसमें कन्वर्ट करना है हमको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इन द सिमिलर वे 7 फ्रैक्शन 9/14, चलो थोड़ा सा और इजी कर देते हैं, 9/10 को हमें कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन, सबको कन्वर्ट करने आता है ना, चैट में बता दीजिए, अगर आपको आता है तो चैट में वाइट कर दीजिए, और किसी बच्चे को कुछ भी डाउट हो, बच्चे रुक जाएगा, हम उनसे पूछ लेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19/3 को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, जस्ट उल्टा, किसमें कन्वर्ट करना हमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। एंड थर्ड वन है जो, लास्ट वन जो है वह 21/4 को कन्वर्ट करना है हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो देयर आर ओनली 4 क्वेश्चन, 4 ही क्वेश्चन है, आप इस 4 ही क्वेश्चन को आपको बना कर लाना है, ठीक है। तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए, सारे बच्चे जल्द जल्द इस प्रश्न को बनाएंगे और कहां डालेंगे, ग्रुप में जाकर। दीपक और पारस पंगहल नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, चलो पारस पंगहल, अनिकेत रेगल, हाँ ठीक है, एक मिनट रुक जाए, सोनिया नाम से जो बच्चा, एक मिनट रुक जाए आप, ठीक है। पारस पंगहल, अनिकेत रेगल नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बिजनेस बॉय नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, इन सारे बच्चों को मैं कभी क्लास में एंट्री नहीं दूंगा, आगे से कभी क्लास में एंट्री नहीं मिलेगा। ये बच्चे डायरेक्ट जब सर से बात करेंगे या मैडम से बात करेंगे तब इनको समझ में आएगा, ठीक है। चलो बाकी आप अगर आपको कुछ भी डाउट है, एंड टाइप कर दो, अगर आपको डाउट नहीं है तो आप